हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई रख दी हूँ। तो नवमी था ना, तो नवमी के दिन कन्या को खिलाते हैं, खिला उला के आई थी। तो अभी मैं पनीर बना रही हूँ दोपहर, मेरे हस्बैंड को पसंद है पनीर। तो यहाँ पे मैंने तेल रखा, तेल में जीरा और काली मिर्च और ये सब डाल के कांदा और टमाटर ये सब पहले फ्राई किया। अब साथ साथ में उधर फ्राई कर दिया, पक रहा था तो इधर साथ साथ में बर्तन भी धुलते जा रही थी। और उसके बाद बर्तन धुलते जा रही थी क्योंकि साथ में काम हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है कि बहुत सारा बर्तन फैल जाता है पनीर का भाजी बनाने में, मतलब बहुत सारा काम होता है। और इधर जो पकड़ने वाला था तब से मेरा पक गया था, तो मैं अभी उसको कर दी हूँ। इधर खाना मेरा आधा आधा बनते जा रहा था तो मैं हटाते जा रही थी, बर्तन भी हटाते गई। इधर मैं सेवई बनाने के लिए घी कढ़ाई ली छोटी सी और उसमें घी डाला है, 2 चम्मच घी डाला। और भी डाल सकते हैं पर मैं ज़्यादा घी भी नहीं डालती हूँ। 2 चम्मच घी डाला, उसमें सेवई भूजा। तो इधर दूध रेडी हो गया है, तो इसमें सब सेवई और शक्कर सब डाल के उबाल लूँगी और 2 मिनट के लिए उसको ढक के रखूँगी। सुबह सेवई रेडी हो जाएगा। सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, अभी इलायची लास्ट में डालूँगी। और उसके बाद इधर भाजी की तैयारी मेरा चालू हो गया है कि पनीर की सब्जी जो है ठंडी हो गई थी तो उसको ठंडा होने के बाद पीसते, तो अभी पीस के अभी रेडी हो गया है। तो अभी मैं कढ़ाई धो के फिर चढ़ा दूँगी पनीर के लिए, पनीर तैयार होगा। और इधर साथ साथ में उसको धोते भी जा रही थी, साथ साथ में बहुत सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पनीर बनाने के लिए मैंने वो पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो इधर कढ़ाई में मैंने घी में पनीर को फ्राई किया, पर थोड़ा घी में फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसके बाद जीरा वीरा सब डाल के जो तड़के देते हैं, आप सबको मालूम है पनीर कैसे बनता है, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। उसके बाद सारे मसाले मैंने भूज लिए, उसके बाद जो है मैंने टमाटर और सब कांदा कुछ सब पीस के रखा था, उसके बाद वो भी डालूँगी। अभी मैं सब पीस के रख दिया है, तो मसाले लाल हो गए हैं तो तेल छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने सारी ग्रेवी जो पीस के रखी थी सब डाल दिया, काजू भी पीस देना उसमें, काजू भी बहुत टेस्ट आता है उसका। तो इधर दोनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से भूजूंगी, बहुत टाइम तक तो भूजना ही पड़ता है, भूजूंगी। उसके बाद जब पूरा पक जाएगा अच्छे से, प्लेट से ढक के रख दो 10 मिनट के लिए, पूरा तेल बाहर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं देख चलाऊँगी थोड़ा सा। तो इधर मसाला मेरा पक रहा है, तब तक मैं आटा का निकाल लूँगी, आटा गूंदूँगी, उसके बाद आटा पूरी के लिए आटा बनाना है। तो आटे में मैंने थोड़ा नमक पानी डाल के रखा और नमक डाल दूँगी, पर नमक डालने से पूड़ियाँ थोड़ी नरम बनती है और अच्छा भी लगता है। तो इधर मैं आटा गूंद रही हूँ। तो इधर मेरा ग्रेवी पक गया है, तो मैं पनीर को पहले ही छान के रखी थी, अभी पनीर में डाल दूंगी ग्रेवी में, क्योंकि मेरे फैमिली में इतना ही पनीर लगता है तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि गाढ़ा पनीर मेरे बच्चे खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, तो ऐसे ही बना रही हूँ मैं। तो इधर मैं पूड़ियाँ तल चुकी हूँ, तल रही हूँ, उसके बाद तब खाना निकालूँ।